तो दोस्तों, क्या आप भी हॉरर वीडियो बना के महीने के लाखों अर्न करना चाहते हैं और आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि हॉरर वीडियो कैसे बनाएं? वैसे अगर आप परेशान हो चुके हो YouTube पर बार बार सर्च करके कि हॉरर वीडियो कैसे बनाएं और आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें स्क्रिप्टिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक के पूरे प्रोसेस को कवर किया गया हो, और आपको कोई ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें स्टोरी कहाँ से लाए, स्टोरी को वाइज में कैसे कन्वर्ट करें, वाइज एडिटिंग कैसे करें, एडिटिंग के लिए वीडियो क्लिप्स कहाँ से लाएं, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, इन सारे पॉइंट को कवर किया गया हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स को कवर किया है, जिसमें से तीसरे पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। एंड 5वां पॉइंट को स्किप करने पर आप वीडियो एडिटिंग सीख ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट वह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो चलिए चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और आगे का प्रोसेस को देखते हैं। सो चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैट जीपीटी को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो साइन अप पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करें, फिर अपने किसी जीमेल से साइन अप कर ले। मुझे पता है आप इतना कर लेंगे, इसलिए मैं जल्दी से साइन अप कर लेता हूँ। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हॉरर स्टोरी को लिखने से पहले हमें टॉपिक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉपिक फाइंड करने के लिए हम चैट जीपीटी से बोलेंगे कि हमें हॉरर स्टोरी के लिए 10 टॉपिक दो। सो चैट जीपीटी हमें 10 टॉपिक देगा, जिसमें से किसी एक टॉपिक को चूज कर लेंगे। फिर चैट जीपीटी से बोलेंगे कि राइट ए हॉरर स्टोरी अबाउट भूतिया स्कूल इन हिंदी। भूतिया स्कूल के जगह पर आप अपने टॉपिक को सर्च कर लीजिए, लाइक राइट ए हॉरर स्टोरी अबाउट भूतिया घर इन हिंदी, राइट ए हॉरर स्टोरी अबाउट भूतिया गांव इन हिंदी। सो चैट जीपीटी हमें स्टोरी लिख कर दे देगा। तो जल्दी से हम इस स्टोरी को कॉपी कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो हमारा अगला स्टेप है स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करना। तो स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम 11 लैब्स का यूज करेंगे। तो चलिए 11 लैब्स को ओपन करते हैं और स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। 11 लैब्स को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें, फिर साइन अप पर क्लिक करें, साइन अप विद गूगल पर क्लिक करें, देन अपने किसी भी जीमेल से साइन अप कर ले। उसके बाद यह आपसे कुछ पूछेगा, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दें। स्टोरी पेस्ट करने के बाद कामा और फुल स्टॉप को उनके स्थान पर सही से लगा दे, जिससे स्टोरी में इमोशन क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से किसी एक कैरेक्टर को चूज कर ले, देन जनरेट स्पीच पर क्लिक करें। कुछ ही देर में आपका वॉइस जनरेट हो जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार में अच्छा वॉइस जनरेट नहीं होगा, इसलिए कम से कम 4-5 वॉइस जनरेट कर लें और इन सब में से जो बेस्ट हो उसे चूज कर ले। याद रहे कि आप जितने भी वॉइस जनरेट करें सभी को यहां से डाउनलोड कर ले। और अगर आपको 11 लैब्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो नीचे कमेंट कर दे। वॉइस डाउनलोड करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आपके चैनल पर रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, इसलिए इस स्टेप को स्किप करने का कोशिश मत करना। वॉइस एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां ओपन पर क्लिक करके फिर ओपन विथ फाइल मैनेजर पर क्लिक करें, देन अपने ऑडियो को इंपोर्ट कर ले, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करें, देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इक्विलाइजर और एम्पलीफायर पर क्लिक करें, फिर इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर सेम ऐसा ही सेटिंग कर ले, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें।
फिर थ्री डॉट पर क्लिक करें, इफेक्ट पर क्लिक करें और सबसे नीचे आकर कन्वर्ट स्ट्रियो टू मोनो पर क्लिक करें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें, देन सेव पर क्लिक करें और यहां क्लिक करके अपने ऑडियो को जल्दी से सेव कर लें। और अगर आपको वॉइस एडिटिंग डिटेल्स में सीखनी है तो हमारी इस वाली वीडियो को जाकर देखिए। ऑडियो को सेव करने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट टू वीडियो, तो उसके लिए फिर से चैट जीपीटी को ओपन कर ले, देन ये वाला प्रॉम्प्ट लिखकर यहां पर अपनी स्टोरी को पेस्ट कर दे। अब चैट जीपीटी हमें वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। अब यहां से फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर ले, देन यहां क्लिक करें। अब आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद टूल्स पर क्लिक करें, देन लॉगिन पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करें और अपने किसी जीमेल से साइन अप कर ले। साइन अप करने के बाद हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे यहां पेस्ट कर दे, फिर यहां क्लिक करके ड्यूरेशन को 6 सेकंड कर ले, देन सबमिट पर क्लिक करें। कुछ ही देर में आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा, फिर यहां पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर ले। ऐसे ही सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहां पेस्ट कर दे और जब वीडियो जनरेट हो जाए तब इसे डाउनलोड कर ले। वीडियो डाउनलोड करने के बाद हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मैन पार्ट पर, जो कि है वीडियो एडिटिंग। भले ही आप पीछे बताए सभी स्टेप को फॉलो क्यों ना कर लो, लेकिन इस स्टेप के बिना सब अधूरा रह जाएगा। सो वीडियो एडिटिंग के लिए हम कैपकट का यूज करेंगे। तो कैपकट को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, फिर हमने जो वीडियो जनरेट किया है उसे यहां पर एक एक करके सिलेक्ट कर ले, फिर यहां ऐड पर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो यहां इंपोर्ट हो जाएगा। देन यहां रेशियो पर क्लिक करके 16:9 वाला रेशियो को सिलेक्ट कर ले। अब यहां ऑडियो पर क्लिक करें, फिर साउंड पर क्लिक करें, देन यहां फाइल मैनेजर पर क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करें। अब यहां क्लिक करके अपनी ऑडियो को सर्च कर ले, देन यहां प्लस के आइकन पर क्लिक करें। अब आपका ऑडियो इंपोर्ट हो जाएगा। फिर यहां पर क्लिक करके अपनी दोनों फिंगर से वीडियो को जूम कर ले जिससे वीडियो का वाटरमार्क हाइड हो जाएगा। अब ऑडियो के हिसाब से वीडियो को एडजस्ट कर ले जैसे मैं कर रहा हूं। फिर यहां पर क्लिक करके अपनी वीडियो में ट्रांजैक्शन लगा ले, लेकिन उसके लिए आपको बीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तो आप प्ले स्टोर से कोई भी बीपीएन डाउनलोड कर ले। मैं तो बोलूंगा कि इस वाले वीपीएन को डाउनलोड कर ले, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। वीपीएन डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें, देन एक्सेप्ट पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करके देन ओके पर क्लिक कर ले। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर से कैपकट को ओपन करके यहां से ट्रांजैक्शन को लगा दे जिससे वीडियो और प्रोफेशनल लगेगा। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर सबसे यूनिक कंटेंट बना सकते हैं। देन इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहां क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन यहां क्लिक करें, अब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट देखने से पहले मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको 11 Labs को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को जाकर देखिए, और वॉइस एडिटिंग डिटेल्स में सीखनी है तो इस वीडियो को देखिए, इसमें फुल डिटेल्स के साथ वॉइस एडिटिंग को सिखाया गया है।